हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो प्रैक्टिस सेट आप लोग का सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? 16 तक तो हम आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 17 से आज आगे बढ़ रहे हैं और प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को कम से कम समय सॉल्व करें और आपको समझाते हुए चलें। तो देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है। किसी धनराशि पर 4 वर्ष में SI और CI का अंतर आपको पता होगा, लिख देते हैं एक ट्रिक करके। ट्रिक भी है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसका। SI अगर R% हो, इसका मतलब है हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, दर अगर आपका R% हो तो समय आपका क्या हो, 2 वर्ष का हो। समय आपका क्या हो, 2 वर्ष का हो। तो SI परसेंट बराबर होता है आपका पहला साल R, अगले साल भी R। इसका मतलब है कि सब मिला करके कितना हो जाएगा आपका R+R बराबर कितना हो जाएगा, 2R% ब्याज मिलेगा। अगर यही CI की बात की जाए तो CI क्या होगा, CI पहले साल भी R, मूलधन पर अगले साल भी R, और अगले साल क्या है, ये तो सख्या मूलधन पर मिला ब्याज है, और ब्याज पर भी ब्याज तो मिलेगा R × R/100। सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2R + R²/100%। अगर दोनों का अंतर करते हैं 2 वर्ष के CI SI का, अगर हम अंतर निकालते हैं दोनों को घटा देंगे, घट के क्या देखेंगे, 2R खत्म हो जाएगा। अंतर कितने का होगा, R²/100%। बात समझ में आ रहा है, R²/ क्या हो जाएगा, 100%। कहने का मतलब यह है 2 वर्ष के CI और SI का जो अंतर होता है वह होता है R²/100%। रास्ता तो बहुत सारा है, हम आपको यहाँ इस मेथड से लेकर चल रहे हैं, लेकिन यही मेथड एक नहीं है, हम आपको 2 तरीका से 3 तरीका से ही बता सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट है तो आपको उत्तर तरीका से तो बता नहीं सकते हैं। केवल इसको याद रखिएगा, R²/100%, नोट कर लीजिए इसको, और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है इसमें, सवाल कह रहा है आपको कि 2 वर्ष का SI और CI के दर जावा R%, अंतर बराबर कितना होगा, 4² / 100%, मतलब 0. कितना हो गया, 0.16%। अंतर बराबर R²/100% आप लोग को हम बता चुके हैं, है कि नहीं है, ये हो जाएगा 0.16%। अब देखिए मूलधन आपको दिया हुआ है कितना, ब्याज का अंतर ही आपको दिया हुआ है, यही अंतर आपको दिया हुआ है 4, 1% कितना होगा, 400/16 होगा कि नहीं होगा। तो पूछा गया है कि वह धन क्या था, सवाल में ये पूछ रहा है तो बताएं कि वह धन धन राशि क्या है, 100% क्या होगा। आप खुद जाइए, 400 × 100/16, ये 4 से कट जाएगा, 4 × 16, 4 से कितना होगा, 4 × 4 कट जाएगा यहाँ पे, ऐसे ये 25 से भी काट सकते हैं, यहाँ देखिए 2 × 4 और ये 2 × 5 = 10, 50 और ये 2 से कितना हो जाएगा आपका 25। इसका मतलब कैलकुलेशन आपका अपना होना चाहिए, कितना हो जाएगा आपका, 2500 रुपये। तो इससे कह रहा है बताएं कि उसका प्रारंभिक मूलधन क्या था, हो जाएगा आपका 2500 रुपया, ऑप्शन नंबर 1। बस अंतर याद रखिएगा, अंतर बराबर होता है R²/100%। अंतर बराबर जो होता है वो अंतर बराबर होता है R²/100%, यहाँ से निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप लोग चाहते हैं तो मेथड होता है SI बराबर 2 साल का है, 2 × 4 = 8%। CI बराबर होता है RTR²। RT मतलब कितना होगा, RT और R²। RT 4 × 8 और ये हो जाएगा 4² 4 × 8 8.16%। दोनों का अंतर कितना आया, 0.16%। तो ये भी तरीका आपका अच्छा, ये तो अच्छा है ही, अगर फॉर्मूला भूल गए किस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, और ये भी आपको याद रखना ही चाहिए, क्योंकि याद रखने से कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 4% उस घन का आयतन क्या होगा जिसके विकर्ण की माप 4√3 है। हम जानते हैं घन का भुजा, घन का विकर्ण बराबर होता है, इस बात को जानते होंगे, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 × भुजा, और यही दिया हुआ है आपका विकर्ण कितना दिया हुआ है, √3 × कितना √3 दिया हुआ है, √3 × 4 यानी 4√3 दिया हुआ है, बराबर √3a। a खत्म हो गया, भुजा कितना निकल गया, घन का भुजा आपका a हो गया, घन का जो भुजा है वो आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। तो उसका आयतन देखिए क्या होगा, घन का आयतन बराबर होता है क्या होता है बताइए, भुजा क्यू, ए क्यू, 4³ = 4 × 16 = 64 सेंटीमीटर³ आपका उत्तर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 6 आपका उत्तर हो गया। बस घन का विकर्ण से निकाल लिए, और विकर्ण से फिर क्या किया, उसका आयतन निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बहुत आसान सवाल है। 17 क्या कह रहा है, 17 नंबर 18 19 नंबर, एक्स एक संख्या एक्स जो है वाई से 10% कम है, यदि वाई 125 से 10% अधिक है, मतलब वाई क्या है 125 से 10% अधिक है, 25 × 100 25 × 125 10% अधिक का मतलब है वर्ग 110% हो जाएगा आपका।
दो दूना चार, दो पचास दस, दो पचास दस पच्चीस, पच्चीस का पांच बच गया दो, पच्चीस पच्चीस दो कितना होता है 227/2। यही वाई क्या कह रहा है सवाल में, संख्या एक्स जो है, संख्या एक्स जो है क्या है वाई से 10% कम है। क्या मतलब एक्स क्या है, वाई 275/2 है, इससे 10% कम है, मतलब इसका कितना परसेंट है 90% है। यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दीजिए, पांच दूना दस, पचे पच्चीस बच गया दो, पचे पच्चीस। अब आपको करना क्या है, सॉल्व कर लेना है, 945 का पांच बच गया चार, 45 चार 49, 495/4 ये हो जाएगा आपका, चार इकाई चार, चार दूना आठ बच गया एक, चार तिया बारह बच गया, चार तिया बारह, बारह बच गया कितना 3, 123 पूर्णांक 3/4। ये आपको पूछा गया है कि संख्या x क्या है, 123 पूर्णांक 3/4 क्या हो गया आपका उत्तर हो गया, आपको पॉइंट में दिया हुआ उत्तर 123.75 ऑप्शन नंबर डी। अगर पूर्णांक में कहेगा तो इतना उत्तर होगा, दशमलव में कहेगा तो ये उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है किसी संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो शेष पर 32 आता है, और जब उसे 7 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा, 49 से भाग करने के बाद शेष पर क्या आया 32। अब उस कितना से भाग करना है, अब 7 से, बस 7 से भाग के 728, रिमाइंडर कितना हो गया आपका उत्तर 4, आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर एक, इस ट्रिक याद रखिएगा, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का वर्ग घन गुना करके अगर भाग देना हो तो बस शेष में वर्ग घन गुना कर दीजिए और दिए गए संख्या से क्या करना है आपको भाग कर देना है। ऐसे ही कहता संख्या का दो गुना करके 7 से भाग देना है तो बस शेष का दो गुना करके 7 से क्या करते भाग कर देते। करे संख्या का 3 गुने में 7 से भाग करना है, संख्या का 3 गुना करने बोला तो शेष का 3 गुना करके 7 से क्या करते हैं भाग कर देते। यहाँ बस संख्या में ही बोला तो शेष में, जब संख्या वही है तो शेष भी वही रहेगा, संख्या को जो करने बोलेगा वही काम शेष में करके दिए गए भाग से क्या करना है आपको भाग कर देना है, ऑप्शन ये आपका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक सवाल ये है आपका करना क्या, इस सवाल को बहुत सारा आप लोगों को बताए हैं क्लास में, बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं स्लिप पे, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, नीचे का डिफरेंस कितना है 3, 3 से 3 खत्म क्या हो जाएगा √2। आपको बताएं जब नीचे का डिफरेंस ऊपर वाले के बराबर हो साइन चेंज करके रख देते हैं, डिफरेंस 3 का 3 से 3 खत्म, साइन चेंज कर दिए √6 - √3, -4√3 था, साइन प्लस में जो ऊपर जाएगा तो माइनस में √6 - √2, और यहाँ का √6 है ऊपर जाएगा √3 - √2, और ये चार अंतर चार का है ना, चार से चार क्या होगा खत्म हो जाएगा, √12 - √6 - √18 + √6 + √18 - √12 + √12 - √12 प्लस, आंसर क्या हो गया आपका उत्तर 0 क्या हो गया आपका उत्तर 0 हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर। बस ध्यान देना नीचे का डिफरेंस अगर ऊपर वाले के बराबर हो तो साइन चेंज करके उसको क्या करते हैं रख देते हैं, हमारा काम बन जाता है, साइन चेंज करेंगे प्लस है तो नीचे में अंतर चार का, चार से चार खत्म, माइनस ऊपर चला जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल, किसी संख्या का 1/7 भाग, कोई संख्या आपको शुरू में ही बताया 1/7, 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से कितना अधिक है 100 अधिक है, दोनों में अंतर कितने का 100 का, 7 * 4 = बराबर कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका कितना 25, तो इस संख्या बराबर 1 मिनट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 सत्य होता है 175 * 11, 5 * 7 = 2 बच गया 1 * 7 = 8 = 9 कितना होगा उत्तर 1925, मतलब वो संख्या कितना था, वो संख्या 1925 था, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हुआ। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है एक होता है, उसी का 1/7 और 1/11 के बीच अंतर कितने का 100 का अंतर है, सॉल्व करके निकाल दीजिए उत्तर हो गया 1925। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू रूट करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाइए इस सवाल में, एलसीएम कितना हो गया 343, 343 में 1/7 जाएगा कितना, 7 में 3 गया 4, यहाँ बच गया 8, 8 * 4 = 12, और यहाँ बच गया कितना घटाना है ना, 3 में 343 में घटा दीजिए 127, देखिए क्यू रूट कितना होगा 713, यहाँ बच गया, यहाँ बच गया कितना 3, 3 में से हो गया 1, यहाँ बच गया कितना आपका, यहाँ बच गया आपका कितना 3, 3 में से गया 2, 216, ये हो जाएगा आपका कितना 343। आप जानते हैं हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, 216 किसका क्यू रूट 6 का होता है, 343 7 का होता है, ये आपको पूछा गया है उत्तर क्या होगा तो 6/7 आपका उत्तर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर कितना दिया, जितना नंबर ऑप्शन दिया है बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3 घंटी है जो 24 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड के अंतराल पर अपना क्या करता है रंग बदलता है, ये तीनों प्रातः 10-15 बजे समान रंग दिया है तो बताएं कि वे तीनों एक साथ रंग कितने देर में बजाएगा। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इसका एलसीएम लेना होगा, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, 24 का फैक्टर क्या होता है 2/3, 2/3 * 3 = 24,
नौ चौका 36 और ये होगा आपका कि 27 दूना 54, 27 3 का पावर 3, ये 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब गुना 3, ये फैक्टराइजेशन आपको होना चाहिए आसान तरीके से, जितना फास्ट कर पाए। देखिए सब में क्या कॉमन है, 2 पर पावर 3 और 3 पे पावर 3, इसका एलसीएम कितना होगा, 2 4 गुना 8 3 4 9 27, मतलब कितना हो जाएगा आपका 8 से 56 का 6 बच गया 5 और 16 5 21, मतलब कितना हो जाएगा आपका 216 सेकंड के बाद वो फिर क्या होगा 1 साथ बजेगा, क्या मतलब 60 से भाग कर देंगे 6 18 18 का मतलब क्या हो गया 3 मिनट और हो जाएगा 3 मिनट 36 सेकंड, 3 मिनट 8 सेकंड, ठीक है 3 मिनट और 36 सेकंड के बाद वो घंटी क्या होगा फिर 1 साथ बजेगा, इसका मतलब है वो टाइमिंग कितने का होगा, अभी कितना बजे बजा है देखिए 10 बज के 15 मिनट पर हुआ है और 3:36 के बाद फिर होगा, ऐड कर दीजिए 15 3 18 10 बज के 18 मिनट 36 सेकंड पे क्या होगा वो फिर 1 साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर। जब किसी का सवाल आता है एलसीएम निकालिए, एलसीएम को जो निकाले उसके बाद देखिए टाइम उसको क्या करना है आपको ऐड कर देना है, एलसीएम का सवाल है ये सब सवाल, तो बहुत आसान सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नहीं सवाल दिया हुआ है इफ 9√x = √12 + √147 या इसका मान क्या होगा, सिंपल सा तरीका है, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 14 और ये होगा 7 × 21 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 21 का मतलब क्या होता है 3 × 7 = 21 और 3 × 7 = 21, इसमें क्या हो जाएगा 3 × 4 = 12, कुछ सोचिएगा यहाँ आपको बस थोड़ा सोचना है, √3 इसमें है √3 कॉमन कर लेते हैं इसमें, अगर √3 अंदर क्या रहेगा 4 4 का मतलब 2, अंदर क्या 2 7 में से 1 7 निकल जाएगा 7 2 9 कितना होगा 9√3 और यहाँ है आपका 9√x है ना, 12 का मतलब होगा ना 4 3 12 2 बाहर निकल गया 2√3 7 49 7√3 कॉमन कर लिए 7 2 9 √9 से 9 खत्म हो गया, पूछा गया एस का मान आप खुद बता सकते हैं कि एस का मान क्या होगा तो 3 होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल, क्रय एक वस्तु अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है फिर भी 20% का लाभ कमाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य का क्या होगा, आप जानते हैं एमपी और सीपी, एमपी होता है आपका 100+ प्रॉफिट और सीपी होता है आपका 100 - डिस्काउंट, तो प्रॉफिट देखिए 10% की छूट दिया 20 का लाभ लेगा 120, 10 का डिस्काउंट दिया 90, 30 चौका 120 30 दिया 90, मतलब वस्तु के एमपी और सीपी का रेशियो कितना होगा 4:3, मतलब 3 रुपया में खरीदा था तो 4 रुपया उस पर अंकित कर दिया, तो सवाल में कह रहा है इस वस्तु का लागत मूल्य 450 यही 3 यूनिट ही आपका 450 है तो 1 यूनिट कितना होगा, 3 × 1 = 45 पूछा गया एमपी 4 × 5 = 60 कितना हो जाएगा, इसका मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 600 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। इसको याद रखिएगा एमपी और सीपी, एमपी हमेशा 100+ प्रॉफिट के साथ आता है और सीपी 100 - डिस्काउंट के साथ आता है, प्रूफ तो आप लोग जब चैप्टर पढ़ाएंगे वहां बताएंगे, इसको याद रखिएगा एमपी 100+ प्रॉफिट और सीपी 100 - डिस्काउंट होता है अगर एमपी सीपी का रेशियो निकालना हो तो। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, एक सम स्टूल है जिसके कोण क्या क्या दिया हुआ है x - 5, फिर दिया हुआ है आपका x - 5, फिर दिया हुआ है 2x - 5, उसके बाद फिर दिया हुआ है 2x + 20, इसी सब के योगफल, हम जानते हैं सम षट्भुज के कोणों का योगफल कितना होता है 720 डिग्री, कितना होता है 720 डिग्री, सबको ऐड कर दीजिए यहाँ 2 2 4 4 2 6 2 2 4 5 6 और 7 कितना होगा जोड़ करके 7x, कितना बार हो जाएगा 1 2 3 - 5 3 बार आया है -5 2x - 5 1 2 3 4 5 और एक एंगल और छूट गया, देख लीजिएगा 2x - 5 एक बार और है 2x - 5 साइड में लिख देते हैं तो 7 कितना हो जाएगा 9x 9x 1 2 3 4 5 20 खत्म हो जाएगा सीधे 9x = 720 तो x = 9 कितना हो जाएगा आपका x = देखिए 9 8 72 80 डिग्री, ये पूछा गया था x का मान क्या होगा 80 डिग्री, बस 1 2 3 4 4 बार -5 20 + 20 खत्म हो जाएगा और सब x को जोड़ दीजिए 9x = 720 तो आपको x = कितना होगा 80 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डब्बे में ए और बी दो तरल पदार्थ का अनुपात, ए और बी का अनुपात पहले कितना था 7:5, ये सब कॉन्सेप्ट तो पीछे बहुत बताए आप लोगों को है, पीछे वीडियो देख लीजिएगा मिक्सर का, कराउ की बेग से 9 लीटर निकाल करके और उतना ही बी मिला दिया गया तो मिश्रण में अनुपात 7:9 का हो गया, 7:9 का हो गया, जितना मिश्रण निकाल ले उतना मिश्रण डाले, मिश्रण बराबर 7 5 12 9 7 16
48 16 3 48 ये कितना होगा, 7 4 28 ये कितना होगा, 7 3 21 क्या बताए। मिशन निकाल के क्या डाले, बी को डाले, मतलब एक कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसी को क्या करने बोले थे, पूरा मिश्रण उसी को हम मान लेते हैं। कितना मिलाया गया यहाँ पर, 7, 28 से 7, यही 7 कितना निकाला गया, 9, ये कितना होगा, 9/7, मिश्रण कितना था 28 यूनिट, इसका मतलब हो जाएगा 28 यूनिट कितना होगा, 9/7 × 28, 7 4 28, 9 4 कितना हो जाएगा, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यही 7 यूनिट यहाँ, यही 7 यूनिट कितना निकाला गया, 9, एक हो जाएगा आपका 9/7, तो मिशन कितना है, 28 का मिशन है ना, 7 4 28, 9 4 36 लीटर, इसका मतलब है कि मिशन शुरू में कितना था, तो 36 लीटर था। इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना है, जब मिशन को निकाल के मिशन को डाल रहे हैं, एक को एक कंपोनेंट को डाल रहे हैं, तो बस दोनों को मात्रा को बराबर कीजिए, जिसको डाल रहे उसको छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ उसको बराबर कर देना है। जैसे बी को डाले थे मतलब एक कॉन्स्टेंट था, क्या ए को पूरा मिशन मान लेंगे, और जितना निकाला गया उसे कंपेयर करके निकाल देना है। इस तरह के मेन क्वेश्चन के लिए मिक्सर का कॉन्सेप्ट आपको 2 पार्ट में दिया हुआ है, पीछे जाके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, मतलब व्यक्ति यानी बोट, इसका स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और करंट का स्पीड दिया हुआ है आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग इसको बनाते होंगे बहुत गंदे तरीका से, बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं। कह रहा है सवाल में बताएं कि एक हाथ दूरी तक जाने के बाद तो धारा के दूर हो, तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक हाथ दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटा अधिक लगता है, ध्यान दीजिएगा, स्पीड, अगर यहाँ स्पीड को हम लेते हैं, देखिए यहाँ बी प्लस सी लीजिए और एक बार बी माइनस सी, दिशा में कितना लगेगा, दिशा मतलब बी प्लस सी, विपरीत का मतलब बी माइनस सी, विपरीत में कितना होगा, 6 में 2 गया 4, दोनों का रेशियो कितना हो गया, 2:1, इसका मतलब है ये कितना होगा। अगर हम जानते हैं जब दूरी वही होता है, कल की क्लास में याद कि दूरी वही है, तो चाल का उल्टा समय, अगर चाल हो जाता अनुपात 2:1, समय का अनुपात कितना, 1:2, मतलब जो जगह दिशा में 1 लगा, विपरीत में 2 लगा, यही उसको अंतर कितने का लगा, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न में कह रहा है तुलना में 3 घंटा अधिक, यहाँ 1 लगा, ये 1 आपका कितना है, 3 घंटा अधिक लगा है, तो कह रहा है बताए कि वह दूरी कितना है। अगर आपकी इच्छा हो तो या दूरी यहाँ से या यहाँ से, 1 मिनट का मान 3 निकल गया, तो वह दूरी बराबर खुद सोच के बताइए, 1 मिनट अगर 3 है, चाल क्या है, बी प्लस सी 8 है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 3 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, तो 24 किलोमीटर क्या हो गया आपका, उत्तर हो गया। आप लोग इससे पहले जो भी तरीका से पढ़ते होंगे उसको भूल जाइए, दिशा में 6:2, विपरीत में 4, जो स्पीड है ये सब लिखने के इतना लिख रहे हैं, सीधे चाल का अनुपात क्या होगा, 2:1, और दूरी जब वही है तो समय का अनुपात 1:2, तो जो दूरी को 1 घंटा में तय करता है उसको 2 घंटा में कर रहा है, 1 घंटा अधिक ले रहा है, 1 घंटा आपका 3 है, 1 मीटर आपका 3 है, 3 घंटा कब लगता है, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, तब इसका मतलब है वो दूरी कितना है, दूरी आपका 4 गुना समय, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 3 घंटा में कितना दूरी, 24 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कुछ वस्तु 10 रुपया प्रति वस्तु के दर से खरीदा, सीपी और सीपी, यहाँ रखिए इसका वस्तु और यहाँ रखिए उसका मूल्य। कह रहा है कुछ वस्तु जो है 10 रुपया प्रति वस्तु के, कहा है क्वेश्चन, 10 रुपया प्रति वस्तु, एक वस्तु का दाम 10 रुपया ऐसा खरीदा, और कुछ वस्तु जो है 14 रुपया प्रति वस्तु के दर से, उतना ही वस्तु, एक ही वस्तु मान लेते हैं 14 के दर से खरीदा, जितना 10 रुपया प्रति वस्तु वाला वस्तु खरीदा उतना 14 वाला खरीदा, एक वस्तु का मान लेते ये भी एक वस्तु खरीदा, ये भी एक वस्तु खरीदा 14 में, और दोनों मिलाकर बेचा है, वस्तु को बेचा कैसे है ध्यान दीजिएगा। तो सवाल को कह रहा है 13 रुपया प्रति वस्तु, एक वस्तु को 13 में क्या किया, उसको बेच दिया, सिंपल कहानी है, बस वो ध्यान से देखिएगा, सब मिला के यहाँ कितना, 2 वस्तु हुआ ना, 2 वस्तु को कितना में खरीदा, 24 में, यहाँ एक ही वस्तु है, जो खरीदे उसी को बेचेंगे, वस्तु करने 2 से मल्टीप्लाई, 13 दुना कितना हो गया आपका 26, और ये हो जाएगा 2×2, मतलब 2 वस्तु को 24 में खरीदा, 2 वस्तु को 26 में बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट 2 का हुआ। सर यही पूछा होगा आपको कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 24/2 का प्रॉफिट और 100/ कितने का प्रॉफिट, 2 से 12, 4×2 8, 4×3 12, 25/100, 3×8 24, 8×1/3, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बस सारे प्रकार के वस्तु को बराबर कर दीजिए, काम आपका बन जाएगा। एक वस्तु खरीदा 10 रुपया में, उसी प्रकार का एक और वस्तु खरीदा 14 में, 2 वस्तु खरीदा 24 में, और बेचा एक वस्तु 13 में, 2 वस्तु खरीदा है 2 वस्तु बेचेगा 26 में, 24 में खरीदा 26 में बेचा, प्रॉफिट 2 का 8×1/3%। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एक
एक छात्र अपने विद्यालय दो पूर्णांक दो दो पूर्णांक एक बटा दो किलोमीटर प्रति घंटा के चार से जाता है, छह मिनट देर होता है, और तीन के चार जाता है तो दस मिनट पहले पहुंचता है। खुद सोचिएगा स्पीड, पहले जा रहा था दो पूर्णांक एक दो का मतलब कितना, दो पूर्णांक एक बटा दो किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कितना हो गया, पांच बटा दो, और फिर कह रहा है दूसरी दूरी को कितना चाल से जाता है, तीन किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, तीन के चाल से जाता है, तीन किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है। तो चूंकि गया पांच बटा दो के चाल से और फिर गया तीन के चाल से, चूंकि दूरी तो वही है, जब दूरी वही है तो समय का रेशियो क्या होगा, तीन और पांच बटा दो, मतलब रेशियो कितने का हो गया, छह अनुपात पांच। अगर दूरी को छह घंटा में तय कर रहा होगा तो तीन के चार से दूरी को पांच घंटा में तय करेगा, दोनों का अंतर कितने का, एक का। तो सवाल को समझिएगा, छह और पांच अंतर एक का है, और सवाल में कितने का अंतर है, पहले जा रहा था इसमें छह मिनट देर और अब दस मिनट पहले, छह मिनट देर लगाया, दस मिनट पहले अंतर कितने का, दस सौ सोलह मिनट हो गया आपका अंतर। निकाल दीजिए पांच सोलह पचे कितना हो गया आपका, अस्सी मिनट। अगर आपकी इच्छा हो तो पांच मिनट पर निकालिए, आपकी इच्छा हो तो छह मिनट पर निकालिए, अस्सी मिनट। इसका मतलब है पूछा क्या इसमें आपको, और डिस्टेंस कितने का है, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब खुद देखिएगा दूरी चाल कितना है, ये समय निकाले पांच किस चाल से, तीन किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, चाल गुना समय, समय 80 मिनट है, मिनट को घंटा में चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 20 दिया 60, 200 का 80, कितना किलोमीटर हो गया, चार घंटा सॉरी चार किलोमीटर क्या हो गया उसका दूरी। कुछ नहीं करना इस तरह के सवाल में, बस देखिए पहला स्पीड क्या है, दूसरा स्पीड क्या है, क्योंकि जब सेम दूरी तय कर रहे हैं तो चाल के अनुपात का उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात होता है, चाल का अनुपात का उल्टा समय का अनुपात, चाल हो गया पांच का दो तीन, तीन और पांच का दो अनुपात छह पांच का, गैपिंग एक का, एक आपका सोलह है, पांच आपका क्योंकि दस मिनट पहले और छह मिनट बाद, गैपिंग तो सोलह मिनट का हो जाएगा, या एक सोलह पांच आपका अस्सी। हमारी इच्छा तो पांच निकाल दिए, आपकी इच्छा हो छह पे भी निकाल दिए, छह निकाल के जब पांच दो सौ क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। उम्मीद करते समझ में आया होगा, इसका वाहियात फॉर्मूला किताब उताब में रहता है, नहीं करना है वो सब, ठीक है, इस प्रकार से बनाइए। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको हम जानते हैं अगर दो वर्ष का हो दर आपका, ट्रिक याद रखिएगा आप लोग इसको, दर अगर आपका आर परसेंट हो, समय आपका दो वर्ष हो, तो रेट अगर आपको ज्ञात ही करना हो और दो वर्षों एस आई माइनस सी आई, सॉरी सी आई पहले होता है, सी आई माइनस एस आई, अगर आपका डी हो और मूलधन, मूलधन किसको कहते हैं, जो शुरू में धन लिया जाता है, मूलधन अगर आपका पी हो तो दर आर बराबर होता है 100 इंटू रूट ओवर डी बटा पी। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और बराबर ऐसे और भी फॉर्मूला है, बस अभी इसको सीखिए, जब ऐसा इसी आप लोग को पढ़ाएंगे तो बताएंगे कई तरीका से, क्योंकि अभी उतना बता पाना मुश्किल हो पाता है। इस तरीका को याद रखिए फॉर्मूला को, तरीका बहुत सारा है। रेट और रेट बराबर क्या होता है, 100 इंटू रूट ओवर डी बटा पी, तो निकाल दीजिए यहाँ से 100 रूट ओवर डी, अंतर कितने का है 25 का, और मूलधन कितने का दिया हुआ है, सर 1000 का मूलधन है या 10000 का मूलधन है, सर मूलधन आपका दिया हुआ है 10000, मूलधन 10000 है, तो 2500 का 100 कितना हो जाएगा 4000, तो 100 40 का बाहर क्या निकलेगा 20, 20 2500, इसका मतलब है दर कितना हो जाएगा 5%। याद रखिएगा दो वर्ष के सीआईएसआई का अंतर ज्ञात हो, मूलधन ज्ञात हो, तो दर बराबर होता है 100 इंटू रूट ओवर डी बटा पी, इसका प्रूफ भी होता है, बट यहाँ याद रखिए जब एसआईसीआई चैप्टर लेके आएंगे तो बताएंगे आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 31, 32, 33 है, अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है एक पहिया 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज कर दिए और 5000 चक्कर लगाता है। अगर 11 किलोमीटर का मतलब हो गया 11000 मीटर जाता है और 5000 चक्कर में, इसका मतलब है एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 11/5 मीटर होगा कि नहीं होगा, 11000 किलोमीटर जाते हैं, 11 किलोमीटर मतलब 11000 मीटर जाता है बस 5000 चक्कर में, एक चक्कर में कितना 11/5, और जो एक चक्कर में दूरी तय करता है वही उसका क्या होता है, परिधि होता है, जो एक चक्कर मतलब वृत्त का परिधि 2π है। अब सॉल्व कर लीजिए, 11/5 बराबर 2 गुना 22/7 गुना आर, यहाँ ध्यान दीजिएगा 11 × 22 आर बराबर हो जाएगा आपका 7, यहाँ ले आइएगा तो ये हो जाएगा कितना आपका 2 × 4 × 5 = 20, तो पूछा गया है उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या निकाल लीजिए, यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा आपका, त्रिज्या सॉल्व करके निकालिए कितना आया 7/20 मीटर, मीटर को 7/20 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्या होगा, 100 × 20 = 100 कितना हो जाएगा 7/35 सेंटीमीटर, ये पूछा गया है इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो 35 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी। ये तो मीटर में था ना, क्योंकि 11 किलोमीटर था, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11000 मीटर, मीटर को लास्ट में सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं,
देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, करा ए का ए बी का हिस्सा, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात ए, ये ना दिया हुआ है सर सी सॉरी सी अनुपात डी, सी अनुपात डी आपको सबका अनुपात दिया हुआ है एक अनुपात तीन, सबका रेशियो कितना है एक अनुपात तीन। तो पहला और अंतिम काम आपको क्या करना है, क्या करना है बताइए, सबका पहले यूनिट रेशियो निकाल लेना है ए बी और सी डी का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम ए बी का रेशियो पता कर लेते हैं, ए बी और सी, ए बी और सी का रेशियो तो पीछे आप कई तरीका से इसको पढ़ चुके हैं है कि नहीं है, कई तरीका से इसको हम बताएं आप लोगों को है, ध्यान दीजिएगा पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी तो ए बी इसका भी मान कितना होगा एक अनुपात तीन, इसका भी मान कितना एक अनुपात तीन, इसका भी मान कितना एक अनुपात तीन, तो सामने वाले एक अनुपात तीन तीन नौ ए बी सी का और ए बी अनुपात सी अनुपात डी, फिर यहाँ एक अनुपात तीन लगा दीजिए, निकाल दीजिए एक तीन नौ और नौ तिया सत्ताईस, ए बी सी डी का रेशियो क्या हो गया एक अनुपात तीन अनुपात नौ अनुपात सत्ताईस आपका रेशियो हो गया। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, तो बताएं कि कुल मिलाकर के कुल लाभ हो रहा है 40,000 जो भी हो सी का हिस्सा, कुल लाभ देखिए कितना होगा 27 33 10 40 यही 40 दिया हुआ है, शायद 4,00,000 का लाभ हो रहा है, जो पूंजी का अनुपात होता है वही आपका हिस्सा दिया हुआ है आपको इसमें सबका हिस्सा का अनुपात कितना हो गया, अगर ए को 1 रुपया मिलता है तो बी को 3 सी को 9 और डी को 27 मिलता है, सब मिला के कितना हो गया 40, यही 40 कितना दिया हुआ है आपका 4 पे 4,00,000 दिया हुआ है, देख लीजिएगा 1 2 3 4,00,000 है, 1 हो जाएगा आपका 10,000। पूछा क्या गया इसमें आपके सी का हिस्सा, सी मतलब 27, इसका हिस्सा कितना हो जाएगा 27,000, यहाँ निकाल लीजिएगा ऑप्शन नंबर देखिए कितना दिया हुआ है 27,000, 2,70,000 एक जीरो बढ़ा दीजिएगा एक जीरो ज्यादा होगा, यहाँ पे एक जीरो ज्यादा होगा, यहां लगा दीजिए कितना हो जाएगा आपका, कितना उसका हो गया सी का हिस्सा हो जाएगा 27,00,000, समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं, समझ गए यहां तक नहीं समझे, यही 40 का वैल्यू आपका है 4,00,000, 1 का वैल्यू कितना होगा आपका 10,000, 27 का वैल्यू कितना होगा, 27 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2,70,000, सी का ही मान निकालना था तो सी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा 2,70,000, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.5 हेक्टेयर के मैदान में, 1 हेक्टेयर मैदान है जिसका एरिया है, हम जानते हैं आयतन निकालना, आयतन बराबर आप पढ़े होंगे आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई है कि नहीं, आधार क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल कितना है 1.5 हेक्टेयर 1.5 और 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 10 हेक्टेयर अब इतना मीटर स्क्वायर और कितना सेंटीमीटर ऊंचाई का बारिश हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, डबल डबल जो खत्म कर दिए यहाँ पे 15 बचे 75 और यहाँ क्या करना डबल जीरो डाल दीजिए यहाँ पे 7.5 और ये हो जाएगा आपका 100, 7 पे कितना डबल जीरो एक अंक के बाद दशमलव मतलब 750 मीटर क्यूब, उसका क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आयतन पूछा है तो उसका आयतन कितना होगा तो 750 मीटर क्यूब ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुना होता है, आकृति कैसा भी रहेगा आप लोग पढ़ते होंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ये सब नहीं, सिंपल है कोई भी कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है, जब बताएंगे मेंस क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बड़ी बात समझाएंगे आप लोग को, किसी भी आकृति का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आगे बढ़ते हैं। लेकिन नेक्स्ट सवाल और भी इंपॉर्टेंट है, करा ए का 30%, ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो बी का कितना प्राप्त होता है, तो बी का 80% प्राप्त होता है, बी का 80% प्राप्त हो रहा है। आप देखिए यहां पर ए का 3/10 कर सकते हैं ना, ए का 3/10 बराबर बी इधर लाएंगे तो 80 में 40 का कितना बी का 40/100 कर सकते हैं ना, जीरो से जीरो खत्म जीरो से जीरो खत्म मतलब ए बटा बी, ए और बी का रेशियो कितने का हो गया 4/3 का, मतलब ए जब 4 है तो बी 3 है, सवाल में ये पूछा गया है तो बताएं बी ए का कितना परसेंट है, कल भी बताए थे बी ए के प्रतिशत के रूप में, ए के ए नीचे ये ऊपर क्रॉस 100 पैसों का 100 25 3 कितना हो गया उत्तर आपका 75% आपका उत्तर हो गया, आगे बढ़ते हैं, समझ आया कि नहीं है, बस कुछ नहीं करना, ए का 30% बी का 40% दोनों को जोड़ देंगे बी के 80% के बराबर है तो बी का 40 इधर ले आएंगे तो 80 में 40 सौ करके निकाल दीजिए, बस ध्यान रखना है जिसके रूप में कहा जाए उसको नीचे, जिसको बदला जाए उसको ऊपर, ए के रूप में ए नीचे बी को बदलना है बी ऊपर, 100 से गुना कर दीजिए परसेंटेज आपका निकल गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, ए का 90% मतलब 90/100
90% बराबर बी का 30% बराबर बी का दिया हुआ है 30% खत्म 30 तिया 90 मतलब ए बटा बी बराबर 1/3। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, सवाल में कह रहा है बी बराबर ए का 2x%। फिर कह रहा है नाउ बी जो है ए का 2x% है, 2x% बी कितना है आपका, बी 3 बराबर 1 × 2x/100 यो परसेंट के लिए बटा 100 50 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 150। ऑप्शन ए पूछा गया था कितना परसेंट है, x का मान कितना हो गया 150, मतलब ये हुआ b जो है a का कितना परसेंट है x के रूप में 150%। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया। बस ये b का रेशियो निकाल लिए, अब कह रहा है b जो है a का 2x% है, 2x b का मान 3 a का मान 1, यहां से 3 a का मान 1 है, 2x सॉल्व करके निकालिए x बराबर 150 आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक तांबे के तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया जिसका क्षेत्रफल इतना है, वर्ग बनाया गया एरिया अगर 81 है, इसका मतलब उस तांबे का तार का भुजा की उस वर्ग का भुजा क्या होगा, रूट ओवर एरिया, रूट ओवर एरिया मतलब कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब है उसका परिमाप मतलब तार की लंबाई आप कह सकते हैं, तो तार की लंबाई मतलब परिमाप क्या होगा, तो वर्ग का भुजा यानी परिमाप 4 × 9 = 9, 9 × 4 कितना होगा 36 सेंटीमीटर, क्योंकि एक वर्ग है, ध्यान दीजिएगा एक वर्ग है, इसका परिमाप क्या होगा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भुजा 4 है, यही 4 है, क्या लंबाई होगा ना, वही लंबाई कितना, भुजा अगर 9 है तो पूरा लंबाई कितना होगा, तो 36 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक वह तार 36 सेंटीमीटर लंबा था, अब इस तार को मोड़ करके एक अर्धवृत्त बनाया गया है। आप जानते हैं अर्धवृत्त अगर बनाएंगे, अर्धवृत्त ऐसा बनता है, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, अर्धवृत्त आधा वृत्त 2πr का, ये तो आपका बन जाएगा πr और ये होगा आपका 2r, मतलब हम जानते हैं अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, ये सब याद होना चाहिए आप लोग को, क्या होता है पाई आर तो होगा ही प्लस में 2r, r कॉमन कर लीजिए पाई प्लस 2 ये ना होता है, r का मान कितना हो गया 36 और ये 22/7 × 2 जो जाएगा 36 × 7 = 14 6 × 2 = 3/7 ये कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व करके निकाल लीजिए परिमाप देखिए कितना आ रहा है, सॉल्व करके निकालिए, तो हम जानते हैं अर्धवृत्त का परिमाप 2πr और परिमाप दिया हुआ है, परिमाप इसका भी होगा, उसी तार को तो मोड़ के बनाए हैं, हो जाएगा 36 × r × 22/7 × 2 हो जाएगा 36/7 36 खत्म, r बराबर कितना हो जाएगा आपका उत्तर 7 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, जो अर्धवृत्त बनाया गया उस अर्धवृत्त का जो परिमाप कितना हो जाएगा, उस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो 7 सेंटीमीटर आपका उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन, क्योंकि तार था वर्ग के रूप में, उसी को खोल के वृत्त बनाए थे, परिमाप तो वही रहेगा ना, जो परिमाप यहाँ पे आएगा जो तार की लंबाई हुई, तार की लंबाई तो यहाँ भी आएगा, दोनों को बराबर कर देना। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक समानांतर त्रिभुज है जिसका भुजा ए बी सी डी इस प्रकार से है, विकर्ण यहाँ पे आपका ओ पे कट रहा है, कह रहा है ई और एफ जो है, ई जो है त्रिभुज ए बी डी का केंद्रक है और एफ डी ई डी बी सी का केंद्रक है, ये केंद्रक है इसका, तो कहा गया ई एफ किसके बराबर है, ऑप्शन में शायद नाम दिया हुआ है, एक ए ही दिया हुआ है, ए ही उसके बाद दिया हुआ है आपका, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान नहीं दिए, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एक ए ही है, बी ई है, ए ई बी ई सी ई और दिया हुआ है आपका ऑप्शन में डी ई, ये 4 ऑप्शन है किसके बराबर होगा, कुछ नहीं करना है आपको, कॉन्सेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए, एक समानांतर त्रिभुज है कोई बात नहीं है, विकर्ण है दूसरे को काट रहा है, कितने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, केंद्रक क्या होता है, केंद्रक जो होता है वो मिलाने वाले बिंदु एक दूसरे को 2:1 में काटता है, अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, पता होगा, और यहाँ से यहाँ ये भी त्रिभुज है, ध्यान रखिएगा ये भी क्या है आपका एक त्रिभुज है, और इसका ये केंद्रक है शीर्ष से मिला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको अगर यहाँ पे क्या क्या शीर्ष से मिला, ये भी 2 होगा, ये भी 1 होगा, 2:1 में बांटता है, ये कितना होगा, ई एफ, खुद सोचिए आप ई एफ बराबर कितना होगा 2 यूनिट, ई एफ भी 2 है, ए ई भी आपका कितना होगा 2 यूनिट और एफ सी भी कितना होगा आपका 2 यूनिट, यही हो जाएगा आपका, पूछा गया है सवाल में आपको ये पूछ रहा है, देखिए क्या कर रहा है इसमें सवाल में, सी ई था यहाँ पे, यहाँ सी ई है, मैं तो कहीं गलती हो रहा है, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो बताएं कि ए ई, आप खुद बताइए ए ई जो होगा ई एफ जो है वो किसके बराबर है, ई एफ आपका कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट है, वो किसके बराबर है, ए ई के बराबर है, अगर सी एफ होता तो दिया हुआ क्या ए ई है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, यानी सी एफ जो है ए ई के भी बराबर है और एफ सी के भी बराबर है, समझ गए ना, केंद्रक जो होता है किसी त्रिभुज का केंद्रक जो होता है उसको उस माध्यिका को 2:1 में बांटता है, क्योंकि पढ़ाएंगे तब जानेंगे हम लोग, ये इसका केंद्रक है इसको 2 भाग में बांट रहा है, ये इसका केंद्रक है इसको 2 भाग बांट रहा है, और ये इसका केंद्रक है इसको भी बांट रहा है, समझ भाई करता है, केंद्रक क्या होता है, माध्यिका को
दो अनुपात एक में काटता है, मतलब ये अगर दो यूनिट ये भी कितना होगा एक यूनिट, वही आपका केंद्रक है, दो अनुपात एक में क्या किया है इसको काटा है, और आंसर हो गया आपका कितना ए, ऑप्शन नंबर एक डाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी की खपत 10% कम हो जाती है, चीनी की कीमत 10% कम, मतलब प्रारंभिक चीनी 10 था, 10% की कम में नया दाम कितना हो गया 90 हो गया, तो वृद्धि कितने का करना पड़ेगा 10 का, 90 में कितने की वृद्धि 10 की वृद्धि, 9 यूनिट में 1 की वृद्धि, ये होगा प्रारंभिक खपत और ये होगा आपका वृद्धि, नया खपत कितने का हो गया 10 का हो गया। सब्जी बता देते हैं इसमें, तो सवाल में आपको ये कहा जा रहा है तो बताएं कि तो एक किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीदता है, एक ज्यादा खरीदता है, मतलब पहले कितना खरीद रहा था 9, संजोग आपका एक ही ज्यादा आया ही है, 9 में था पहले खरीद रहा था, इसका मतलब है कि एक की वृद्धि का मतलब पहले कितना खरीद रहा था 9, और यही कह रहा है जिसके कारण से 270 रुपया में, मतलब 270 रुपया में पहले 9 किलो खरीद रहा था, तो अब 270 रुपया में कितना खरीदेगा 10 किलो खरीदेगा। लेकिन आपको पूछा है सर प्रारंभिक कीमत ही, तो चीनी की मूल कीमत, बस मूल कीमत ही आपको पूछा है, मूल कीमत, मूल कीमत कितना 270 रुपया में कितना किलो पहले मिलता था 9 किलो, 9 × 27 = 30 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा। और अगर यही कहता कि नया कीमत क्या है, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ देता नया कीमत क्या है, आपको देखिएगा यहाँ पहले 9 किलो था, 1 किलो ज्यादा, अब कितना हो गया नया खपत कितना हो गया 10, आपका क्या होगा नया खपत 10, नया खपत है और मूल तो उतना ही खर्च हो रहा है जितना पहले हो रहा था, 270 रुपया में अब 10 किलो, मतलब नया दाम कितना हो गया होगा 27 रुपया प्रति किलोग्राम, नया मूल्य कहेगा तो 27, पुराना मूल्य कहेगा तो 20-30 रुपया प्रति किलोग्राम उसका उत्तर होगा। बहुत यूनिक आंसर था, ध्यान से देखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, अगर जिस सवाल का आप चाह रहे हैं कि कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट वो भी देखिए, आसानी है, कहा गया 10% की क्या होती है कमी होती है 10 में 1 की कमी, तो मेरी बात यहां देखिएगा मूल्य प्रारंभिक और नया, अगर प्रारंभिक 10 था उसमें 1 का कमी हो गया दाम में, नया दाम कितना होगा 9, क्योंकि खर्च उतना ही कर रहे हैं, अगर दाम घट जाए और आपको सामान उतना ही लेना ऑटोमेटिक क्या होगा, दाम के घटने से आप सामान ज्यादा लीजिएगा और दाम के बढ़ने सामान कम लेंगे, अगर दाम घट रहा है खर्च आपको उतना है, आपको सामान उतना ही आपको लेना है, खर्च जो आपको उतना ही किलो करना है जितना पहले खर्च कर रहे थे, तो अगर मूल्य का अनुपात 10:9 है, इसका मतलब है कि खर्च का अनुपात क्या होगा 9:10, पहले अगर 9 किलो खर्च करते थे तो अब 10 किलो खर्च करेंगे, कहेंगे कि नहीं करेंगे, यही कितने की वृद्धि होगी, एक का संयोग आपका दिया है 1 किलोग्राम ज्यादा दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर कुछ और होता तो बदल देते इसको, मतलब पहले अगर 9 किलो खर्च कर रहे 9 किलो खरीद रहे थे तो अब 10 किलो, तो अब तो पूछा है मूल कीमत क्या है इसका, मूल कीमत, मूल कीमत ध्यान दीजिएगा 270 रुपया में ही पहले कितना किलो लेते थे 9 किलो, मतलब पहले दाम इसका था 300 प्रति किलोग्राम, अगर नया कहता 270 में ही अब कितना किलो ले रहे हैं 10 किलो ले रहे हैं, नया मूल्य कितना हो गया 27 रुपया प्रति किलोग्राम। तो आप इस तरीका का भी प्रयोग कीजिए, ये भी अच्छा है और बहुत ही अच्छा है, दोनों हमारा ही तरीका है, दोनों हम क्लास में आप लोग को बताते हैं, जो आपको अच्छा लगे कीजिए, हमारा तो प्रयास ये रहेगा आप इसको भी सीखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस अगर अगर आपका क्या हो टोटल खर्च आपका उतना ही हो रहा हो तो मूल के मूल अगर बढ़ जाए तो खपत को कम कर देना है, मूल अगर घट जाए तो खपत को क्या करना है, मतलब मात्रा के खपत को क्या करना है बढ़ा देना है, उल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नहीं सवाल कह रहा है ए और बी के इनकम का अनुपात 9:7 है और उसके खर्च मतलब व्यय का खर्च का अनुपात 4:3 है और कह रहा है दोनों का जो सेविंग हो रहा है दोनों सेविंग समान रूप में करता है और दोनों सेविंग कितना करता है 200 रुपया सेविंग करता है, ये भी सेविंग 200 ये भी सेविंग 200 करता है, मतलब क्या दोनों का अंतर समान होना चाहिए, देखिए यहाँ कितने का अंतर है 7×3 4 का अंतर या 5 का अंतर, पर अंतर बराबर तो है नहीं दोनों का, अगर ये बराबर आ रहा है तो दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए, बराबर कैसे करेंगे कुछ नहीं, दोनों में गैप कितने का 9:7 2 और यहाँ 1, दोनों बराबर करना, ये 2 था 1 है, इसको बस कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 4 × 2 = 8 3 × 2 = 6, देखिए यहाँ गैपिंग कितने का आया 1 का, यही 1 यूनिट आपका कितना खपत में है 200, तो पूछा गया है क्या पूछा गया सवाल में ध्यान दीजिएगा, तो बताएं कि दोनों के साप्ताहिक आय का योग 9:7 16 16 × 2 = कितना हो गया 3200 तो उत्तर कितना हो गया आपका ऐसे 3200 रुपया ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर है। बस इस तरह के सवाल ये जब बराबर बचत करता है तब तो आसान है, लेकिन इसी सवाल में जब बचत बदल बदल जाता है तब क्या कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे आप लोग को, क्लास आपका स्टार्ट ही किए हैं अभी, बहुत सारी बात बताएंगे, बराबर है तो इस प्रकार से करके निकाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल कह रहे हैं राम और रहीम का 10 वर्ष पहले अनुपात दिया हुआ है 1:3 का था
और 5 वर्ष के बाद उसका अनुपात कितना है, 2:3 का हो जाएगा। क्योंकि दोनों अगर कोई 10 साल पहले और आज और 5 साल बाद दोनों के समय का डिफरेंस कितना आएगा, बराबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बराबर आएगा ना। ये 10 साल पहले था, ये 5 साल बाद है, दोनों तो 15 साल का अंतर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए शायद 2:3 ही दिया हुआ है, 2:3 दोनों का अंतर तो बराबर होना चाहिए था, बट यहाँ तो एक का वृद्धि है, यहाँ तो वृद्धि नहीं है, दोनों को बराबर कर देंगे। उत्तर बताएं, यहाँ एक का गैपिंग, यहाँ 2 का, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 4 3 × 2 कितना हो गया, 6। देखिए वृद्धि कितने का हो गया, 3 यूनिट ये भी बढ़ा है, 3 यूनिट ये भी बढ़ा है, 3 यूनिट आपका कितना बढ़ा है, 10, 5, 15, 1 हो जाएगा आपका 5। देखिए सवाल में क्या कहा गया, तो बताएं कि उनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, वर्तमान के 5 वर्ष, अगर आपकी इच्छा हो 5 वर्ष ही आपका रेशियो में 1 है तो 10 वर्ष, तो 10 वर्ष कितना होगा आप कह सकते हैं, 5 वर्ष ही 1 यूनिट है तो 10 वर्ष आपका कितना यूनिट होगा, 2। क्योंकि 10 वर्ष पहले था ना, 10 वर्ष आगे बढ़ेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे, 10 वर्ष का मतलब कितना होगा, 2 यूनिट। तो रेशियो आप खुद से बताइए, पहले 1:3 का था, 2 × 2 यूनिट दोनों में जोड़ दीजिए कितना होगा, 3:5, दोनों में 2 यूनिट आपको क्या करना है, जोड़ दीजिए, नया रेशियो कितने का हो जाएगा, 2 कर दीजिए सब में, 3:5 का रेशियो हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है, क्योंकि 10 वर्ष का मतलब 2 यूनिट दोनों में बढ़ना होता है, 2 यूनिट, अगर 1:3 था, 10 वर्ष का मतलब 2 यूनिट है, 2 यहाँ भी बढ़िए, 2 यहाँ भी बढ़िए, उत्तर कितना होगा, 3:5 का हो गया, क्योंकि वर्तमान में पूछा है, आपको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे भी करते हैं, क्या करते हैं मेरी बात समझिएगा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां से निकाल लिए आप 1 का मान 5, दोनों का अलग निकालेंगे, दोनों का आयु निकाल के फिर 10-10 जोड़ करके फिर रेशियो, क्यों उतना गंदा काम करना है, जब हमको 5 वर्ष 1 यूनिट है तो 10 वर्ष, क्योंकि 10 वर्ष पहले इतना था, 10 वर्ष जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे, 5 वर्ष 1 यूनिट तो 10 वर्ष 2 यूनिट, दोनों इसमें जोड़ दीजिए, काम आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस सवाल क्रैती संख्या का अनुपात 3:4:5 है, उनमें सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग जो है दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है, कहा गया दूसरी संख्या 4 है, उसमें कितना जोड़ रहा है, 52 के योग के बराबर है, 4 ले आएंगे, 4 यूनिट आपका कितना हो गया, 52, 13 × 4 = 52, 1 यूनिट आपका 13 हो गया, तो कहा सबसे छोटी संख्या 3, 13 कितना हो गया, 39 आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर देखिए सी आपका। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आनंद भी आ रहा होगा, पढ़ाई है, पढ़ाई तपस्या की चीज होती है, थोड़ा पेशेंस रखना ही पड़ता है, समझने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल, x^y बराबर दिया हुआ x²+y²-xy, आपको पूछा है 11^13, कुछ नहीं करना है, 11 x की जगह 11, y की जगह 13, 11^2+13^2-11^13, 11^2 = 13^2 = 169, 3×3=43 हो जाएगा, यहाँ पे घटा के लिख लीजिए कितना होगा, 9 कैसे 6 में 2 गया 6 × 7 = 2×2=4, उत्तर कितना आ गया आपका, 147, ऑप्शन नंबर बी। ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई दम नहीं था इस सवाल में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का क्लास सेशन पूरा समझ में आया होगा, जिस क्वेश्चन पर डाउट हो वो क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्रयास करेंगे उसको हम बाय पेन पेपर आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो इसको माइंड रखिए बात को, गुना भाग आप खुद से कर सकते हैं, प्रोसेस समझने का प्रयास करना है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं रखते हैं, कल फिर बढ़ते हैं आगे, कल आपको सेट प्रैक्टिस 6 आपको मिल जाएगा, तब तक आप लोग इसको पूरा अध्ययन कीजिए, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा पढ़ लीजिए, आप लोग अच्छा सा सवाल इसमें दिया हुआ था, ठीक है। और इसके बाद कल से आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे, जो नंबर सिस्टम होगा, नंबर सिस्टम पूरा नंबर सिस्टम सीरियल प्री और मेंस को लेके चलेंगे आप लोग के सामने, तो कल से नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा प्रेम और स्नेह हमें देते रहिएगा, और हम अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके साथ मिलते रहेंगे, तो कल फिर मिलते हैं नंबर सिस्टम के, नंबर ऑफ फैक्टर्स, योगफल, गुणनफल, व्युत्क्रम का योगफल, औसत, बहुत सारी बातें होती है योगफलों का, वो सब बातों को लेकर कल फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, कुछ फायदा उठाइए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।